Hi guys, assalamu alaikum, welcome back to a new video. So, जा रहा हूँ अभी स्कूल समदानी को छोड़ने के लिए. वहाँ से मैं निकल जाऊँगा डायरेक्टली कब्रिस्तान, और कब्रिस्तान से फारिग होके फिर मैं डायरेक्टली अभी कब्रिस्तान से फारिग होके आपसे मिलता हूँ. सो बने रहिए वीडियो में, मिलता आपसे थोड़े टाइम पर. सो गाइज, मैं आ चुका हूँ कब्रिस्तान से, और हमजा सैफ फिर मेरी छोटी वाली बहन भाई, एक मिनट लिफ्ट, लेकिन मैं घर पर जाके आपसे. सो गाइज, काफ़ी टाइम हो गया, मैं बस ऐसे ही बैठा हुआ था. व्लॉग वगैरह भी सब कुछ अपलोड हो चुका है, और बस अभी मैं ये एक पार्सल है, जो एक दुपट्टे का पार्सल है, वो अभी कुरियर रेडी कर रहा हूँ. तो थोड़े टाइम में जाके समदानी को जब मैं स्कूल लेने के लिए जाऊँगा, तो आने के टाइम पे मैं देखूँगा, कुरियर डिस्पैच भी करना है मुझे. तो अभी फटाफट से मैं कुरियर वगैरह ये कर देता हूँ, रेडी कर देता हूँ. और यहाँ पे जितना सामान कल पड़ा हुआ था सब मैंने उठा के अभी सेट कर दिया. और शिरिन थोड़ा सोई हुई है, क्योंकि अचानक से उसको एकदम बुखार चढ़ गई है. तो अभी उसको गोली खिला के सुलाया हूँ मैंने. तो देखते हैं, अभी शायद आधे घंटे में वो भी थोड़ा उठ जाएगी पावर नैप लेके. तब तक के लिए मैं कुरियर वगैरह जो भी है वो रेडी करके रख लेता हूँ. फिर देखते क्या सीन बनता है आज का, और कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं. सो जो भी होगा पता चल जाएगा. सो बने रहिए वीडियो में. सो गाइस, फाइनली शिरिन उठ के आई है बाहर, बट बाहर भी आके ना वो लेट गई, क्योंकि उससे हिम्मत नहीं हो रही है. और बस अभी मैं जा रहा हूँ समदानी को स्कूल से पिकअप करने के लिए, तो फटाफट जाके उसको पिकअप करके आता हूँ. और कुरियर में बाद में कुछ सामान लेने वही साइड जाना है मेरे को, तो मैं वो टाइम पर जाके कुरियर डिस्पैच कर दूँगा. तो जा दो फटाफट समझाने को लेके आ, तो फिर उसके बाद आपसे मैं मिलता हूँ. सो बने रहिए. तो गाइस, कैसे कैसे करके मैं उठी, मैं नहाई, मैं भी अगर मैं नहाऊंगी नहीं तो शायद मैं और वो हो जाऊंगी. तो खाना गर्म कर दी, कैफकेट है, राइस भी गर्म कर दिया, वो लादी पहुँच रही हूँ. तो सुबह से मैं नमाज भी नहीं पढ़ी, लादी भी नहीं पूछी गई है घर की. तो फटाफट अभी लादी पहुँच के ले रही हूँ, लादी आदि पहुँच के. और कल जो लेके आई थी लिक्विड, वही डाल के देख रही हूँ कितनी खुश बातें कितनी नहीं. फटाफट ही कर लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ. सो गाइज, मुझे फ़ोन आया था शिरिन का, तो मैं आया था यहाँ, उसने खाने का ऑर्डर दे दी थी, तो उसके लिए थोड़ा कुछ खाना ले लिया मैं. फुल गाउटी स्टाइल वाला खाना मिलता है. तो अभी घर पे जा रहा हूँ, और घर पे आके आपसे मैं मिलता हूँ. वो आदमी बीमार औरत क्या ऐसा करेंगे ये ना किसी की एक्टिंग कर रहे हैं. एक है इंस्टाग्राम पर, वो डांस ऐसे ही करता है. देखो हमको कौन मिला ये ना. मैं अभी बाहर जा रही थी ना, बाहर मतलब दरवाजे के बाहर से खड़ी थी मैं खाना खा के. तो उतने में ना मेरी नज़र गई इस पे, मैं हूँ कटर गच, मैं दुनिया में सबसे निराला. तो मेरी नज़र गई, और मैंने कैफ को अचानक से, कैफ कबूतर, तो कैफ उठ के आए खाना खाते बैठे, तो उठ के आ रहे देखे. तो ये ना ऐसी था, तो मैं ये कैब बोल रहे थे उड़ेगा उड़ेगा, मैं बोली नहीं है नहीं उड़ेगा, अगर ये उड़ता है तो मेरे को देख के उड़ने लग जाता ना डर के. पर ये गया ही नहीं, फिर कैब ने उसके साथ उड़ उड़ करे, तो पर तो आगे, पर ये बच्चा है अभी छोटा है ना, पब्लिक सीखा नहीं उसने. तो अभी कैब उसको फिर हमें ना बालकनी के छोड़ रहे थे, जो लिफ्ट के बाजू खिड़की ना वहाँ छोड़ रहे थे. मैंने बोला वहाँ मत छोड़ो, नहीं तो फिर वो मर जाएगा. तो इसके लिए हम लोग उसको अंदर लेके आ गए, मैंने इधर नीचे रहेगा उसको, वो भी डाले कैब ने क्या डाले जाना, वो अपन लेके आए बाजरे दसट्टा बाजरी भी डाल दी उसको, और पर वो खा रहा नहीं, बस वो आग झपक झपक के मुझे देखते जा रहा है. देखो कितने बार झपकता है, 1 2 3 4. अब इसको वहाँ बाहर ही रखे, बस वो ठंडी लगेगी ना कैफ, नहीं लगेगी उसको, वो करना पड़ेगा मेरे को. क्या करना पड़ेगा? हैंड फीड. हैंड फीड ये तो मुंह से खिलाना पड़ेगा. तुम्हारे मुंह से भी खिलाते? मैं खिला चुका हूँ पहले भी, जब टेरेस पे कबूतर पालता था. तो खिलाओ ना उसको, मुंह में रख के ऐसा मुंह खोल के देना पड़ता है. तो दो ना मुझे भी, मुंह फीड करो. ओ आदमी, लिसन, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू इंग्लिश. माय इंग्लिश इज बेटर देन योर्स. बोल लोकल.
मैं इतनी बीमार है, तुझे रहम नहीं है मेरे पर, मेरा बदन थरथरा रहा है। जंजीर से बांधता भी ऐसा ना, ऐसा जाएगा ना ऐसा जाएगा, खाली बीच में रहेगा। बीच में क्या रहेगा? तेरा बदन रे। अच्छा तो चलो गाइस, अभी मैं पटाक से नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस ये कॉटन आप देख सकते हो, बहुत ही कंफर्टेबल और कॉटन मटेरियल में, और बहुत ही प्यारा है। पैंट की इसीलिए इतनी दिख रही है क्योंकि शिरीन ने शायद थोड़ा ऊपर चढ़ाया। एक्चुअली मैं यहाँ पहनती हूँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं यहाँ पैंट पहनती हूँ, तो मेरे को ना पसंद है ऊंची पैंट पहनना, इसके लिए मैं यहाँ पहनती हूँ। बहुत अच्छा कपड़ा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बेल्ट भी है साथ में, और ये साइज है ट्रिपल एक्सेल का। शिरीन जरा टाइट करके दिखा, ये देखो गाइस इतना है, तो तकरीबन ट्रिपल एक्सेल वालों को ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा। और एक और चीज इसका मुनाफा मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे बटन्स होते हैं ना, तो बटन्स में गैप होता है, ये देखो गैप होता है, तो वो गैप नहीं है तो वो चीज अच्छी होती है, क्योंकि हम जब हेल्दी लोग होते हैं ना, तो उनके उठने बैठने में ना हमको क्या हो जाता है ना, यहाँ के गैप खुल जाता है, तो बहुत गंदा लगता है। तो ये पूरा ऐसा सिला हुआ है, और उसके साथ ये बेल्ट है, आप चाहो तो आप बेल्ट भी लगा सकते हो, ये पर मैं तो प्रेफर करती हूँ ऐसे ही पहना, और जितना लूज कपड़ा पहनोगे उतना अच्छा रहता है, चाहे वो पतले लोग के ऊपर से हो, चाहे वो हेल्दियों के ऊपर से हो, चाहे वो जिस आपकी मर्जी आप सोच लो। तो इसमें एक और कलर पैटर्न है गाइस, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है और बहुत ही रीजनेबल रेट्स में है, ठीक है, और प्योर कॉटन मटेरियल है। इंशाल्लाह लोगे तो बाद में वापस से फोन भी करोगे। बहुत ठंडा कपड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा वाला भी देखो, शिरीन आपको पहन के दिखाएगी, बने नजरिए में नहीं आ पाएगा। सो गाइस ये रहा दूसरा वाला। अरे यार तू इतनी ये क्यों दिख रही है? क्या काली ना? नहीं गोरी। सो गाइस ये रहा सेकंड वाला पैटर्न, बहुत ही प्यारा कलर है। अरे क्या हो रहा है तेरे फोन पे, एकदम ही ब्राइट हो जा रहे रे, क्योंकि तुमने उसकी ब्राइटनेस ऊपर नहीं। ये देखो गाइस आ गया ना थोड़ा, जरा मॉडलिंग बाद में कर तू, और इसमें पॉकेट भी है, उसमें पॉकेट्स नहीं है। ओ शायद मैं ध्यान नहीं दी। हाँ बहुत ही अच्छा कपड़ा है, और देखो उठने बैठने में एकदम, ये क्या था ये, क्योंकि नहीं हम जानते नहीं, हमारा दिल जानता है, जो हेल्दी लोग होते हैं ना, जब उनको ये थाइस होता है ना थाइस, तो उनको बैठना उठने में ना बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, जब ऐसे पैंट वैंट होती है ना, तो ये क्या होता है ना, ये डर लगा रहता है हमारे थाइस की वजह से कहीं पैंट फटना जाए, कुछ होना जाए, बट ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। इसमें भी बटन उसी तरीके से ना, ये देखिए बहुत ही ठंडा कपड़ा, बहुत ही अच्छा कपड़ा है एकदम, और साइज ये भी ट्रिपल एक्सेल डबल एक्सेल है ना, ट्रिपल एक्सेल साइज है गाइस, डबल एक्सेल वालों को, एक्सेल वालों को और एल वालों को भी आराम से आ जाएगा। अगर जो प्रेफर करते हैं लूज पहनना, तो वो लोग के लिए बहुत परफेक्ट चीज है, अगर नहीं तो आप अपने हिसाब से थोड़ा साइड से टक्स करवा सकते हो, ठीक है, और बहुत ही लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी से जाइए दिए हुए के नंबर पर, जल्दी से जल्दी कॉल कीजिए और ऑर्डर दीजिए, और बहुत कंफर्टेबल और बहुत रीजनेबल रेट में है गाइस। ये नहीं सोचना कि एक हिंट दे दूं क्या, 1000 रुपए के अंदर है गाइस ये, तो ये 1000 के अंदर है, बस जो डिलीवरी चार्ज होते हैं वो ही सिर्फ आपको लगेगा और कुछ नहीं लगेगा गाइस, जो चार्जेस कपड़े के हैं और जो चार्जेस डिलीवरी के हैं बस वही, उसके अलावा और कोई हम ऐसा नहीं ले रहे कि हम बढ़ा के नहीं ले रहे, ऐसा है ना कि हमारे को डिलीवरी चार्जेस इतने, इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि हम क्यों डिलीवरी चार्ज करते, क्योंकि हमारे जो पास में जो डिलीवरी वाला भैया है ना वो काफी महंगा है, काफी महंगा, तो अभी हम लोग फिलहाल तो हम उनसे कंटिन्यू अभी जुड़े हुए, तो वो कैसा रहा, वो बोलते कि पहले आप पूरे एकदम बराबर से मेरे साथ लगे रहोगे तो फिर मैं आप लोग को और लेस कर दूंगा, बट ऐसा है कि वो चार्जेस ही इतने ले लेते तो अभी क्या ही कर सकते हैं हम, है ना जानू? जाने तक गंदा मुंह बना ना मेरे को। चलो ठीक है गाइस, तो कलर बहुत प्यारे हैं, दो कलर है मेरे पास अभी, और बहुत लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी से जल्दी जाके ऑर्डर दीजिए, और जैसे इसके बाद जो भी स्टॉक्स अवेलेबल होंगे वो हम आपको बता देंगे। ज्यादा लंबा कपड़ों का यूट्यूब पे हम नहीं खींच रहे, वरना लोग बोर होते हैं, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है आपसे थोड़े टाइम। सो गाइस फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी, और बस अभी निकल रहे जा रहे हैं बांद्रा, और ये रही शिरीन बीमार हालत में। अरे दिखाओ तो सही मेरे को, मेरा कपड़ा देखो गाइस, मैंने इतने साल बाद ही जाके, ये बीमार रहने के बाद भी अच्छे से कपड़े पहन लेती गाइस, और मैं नहीं बीमार रहने के बाद भी कोई बासुर ने कपड़ों में रहता हूँ। दिखाओ दिखाओ मुझे जरा, मुझे दिखाओ जरा मुझे, और ये दाग मेरे गाल पे बैठ गया, इसको निकालने का मेरे को शिरीन, मुझे ऐसी नजर लगी,
चले आएगा। चलो ठीक है, अभी फटाफट से बैंड्रा पहुंचे फिर आपसे मिलते हैं। पहले खीर पूरी देंगे। हाँ पहले ये देंगे फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। करो 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 क्या करेगा केफ को मिल के? पप्पी तो दे यार। तो गाइस आ गए हम लोग बैंड्रा और अभी मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना, मैंने जोरा के लिए जो दो टी शर्ट्स लिए थे वो सामने ही टंगाए थे, ये सोच के कि सामने रहेगा ना तो मालूम पड़ेगा और ये याद से हम लोग लेके जाएंगे। और घर के बाहर निकलते निकलते मेरे को ध्यान था कि और मैं अचानक से यहाँ पहुँचा ना, फिर ऊपर ऐसे मेरी नज़र गई खिड़की में तो मुझे याद आ रहा है उसका टी शर्ट लाना ही बोल के। घर के बाहर निकलने तो ध्यान था देखो। अरे हाँ मैं फिर मैं कुछ बात से ना पीछे देखने लग गया ना, मैं ध्यान से हट गया, वो बच्चे लोग नहीं भागे मेरे को देख के, तो उन लोग को देखते देखते मेरे ध्यान से निकल गया। तो चलो कोई बात नहीं, बाद में ला के दे दूंगी, पर मेरे को लाना था यार अभी। चलो कोई बात, आ जाओ मिलते थोड़ी देर से। मेहमा दीदी भी थे, तो उनके हस्बैंड भी आए, फिर उसके बाद में रायला दीदी, रायला दीदी की तीनों परियां, सब लोग आ गए, सब लोग उतर चुके हैं और हम लोग भी सब साथ में ही निकल रहे हैं। चलो आपसे जाके मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। फैमिली पैकेज ये देखो, ये एक आका। हेलो गाइस, ये देखो यहाँ पर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे जाता ग्रुप्स। ये देखो तू भी आ रहा है हमारे साथ, बस तो चढ़ गया ये तो। ये तो देख कर फट 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 नकरे दोनों भाई लोग टंग गए। अब आ जरा बन अल्लो मामा लेके नहीं गया मतलब बूबी को, अल्लो मेरे बच्ची को नहीं लेके गया, नहीं लेके गया मामा मेरे, अल्लो अल्लो उसको दुख दे, वो कितना फटक से मुंह उतर गया उसका, क्या हो गया, कैसे क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। अच्छा इस पे जाए, अरे चल ये उतरने को तैयार नहीं है, अबान उतरने तैयार नहीं है। आओ मालूम है खोद दिए लो उतरने ना, अरे ये क्या। तो गाइस हम जा रहे हैं गुलाब पीते भैया के पास, वहां पर आज आप पिए नहीं क्योंकि भैया मिले नहीं और आज थोड़ा आगे आके पी रहे बूस्ट को देखते देखते उल्लू या ठुल्लू। गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैं आई घर पर, आने के बाद ना मैं यहाँ पर देखने लगी बच्चा है ही नहीं, फिर कह बोले अरे रहेगा रहेगा, फिर देखे तो इधर कॉर्नर में बैठा है, बोला थे वो वहीं रहेगा। हाँ तो फिर मैं कोने में बैठा है, मैं केफ को बोले अंदर ले लो, तो फिर अंदर ना बहुत डर रहा है इसके लिए मैंने फिर अंदर बोली छोड़ो उसको, जैसा वो कंफर्टेबल है ना वैसे ही रहने दो, और उसके ऊपर खाना खाया नहीं तो अभी चलो वहीं रह रहा है कोने में, तो रहने देती हूँ जब तक इसको अच्छा लगेगा खुद से, जब तक ये जाएगा नहीं तब तक ये यही रहेगा। हाँ जानू तो चलो अब इसको यहीं रखती हूँ और बस गाइस यहीं ख़त्म होता आज का हमारा दिन। और मैं काफ़ी बीमार हो गई थी अचानक से दोपहर को, जो मैं बीमार पड़ी थी मुझे ये नहीं समझ आया कि अचानक से ऐसा क्या हो गया मुझे, मेरे को मेरे पिल्लो के वजह से तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मेरे को मेरा पिल्लो चेंज करना है। मैं सोचो मैं इधर जाती हूँ उधर जाती हूँ, मैं सब चीज़ें सामान लेती हूँ ये वो करती हूँ, बट जाके मैं एक अच्छा पिल्लो लेके नहीं आ रही हूँ। बताओ मैं हमेशा सोचती कि अरे लूँगी 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 लूँगी, और फिर अंदर ना मेरा दिमाग है ना एकदम कहाँ चले जाता है, मेरे को यही नहीं समझ आता। कोई बात नहीं अभी मैं एक दो दिन में ले ही लूँगी, मेरे को वैसे भी और भी सामान लेना है घर का, तो वो सामानों के साथ ले लूँगी मैं पिल्लो भी। और बस यही ख़त्म होता है आज का हमारा दिन, और आई होप आप लोग को हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा।
बहुत कंफर्टेबल है, बहुत रीजनेबल है और बहुत ही प्यारा कपड़ा है, बहुत ही ठंडा कपड़ा है और हेल्दी लोग के लिए बहुत अच्छे। जैसे मैं एक्सेल से लेके ट्रिपल एक्सेल या ट्रिपल एक्सेल तक वाले लोग आराम से पहन सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है 4XL वाले भी आराम से पहन सकते हैं क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। उसके पैंट भी एकदम कंफर्टेबल है क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि जो थाइस होती है, जो हेल्दी लोग होते हैं उनकी थाइस में ना बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। जब हम कोई पैंट पहनते हैं ना तो हमको ऐसा डर लगा रहता है बैटिंग उठेंगे तो कहीं थाइस से कोई फट ना जाए, मेन चीज़ हमारी यही होती है। तो इस वजह से है ना बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो इस वजह से मैं आप लोग इस वजह से बोल रही हूँ। तो यही चीज़ आप लोगों को बताना था कि बहुत अच्छा कपड़ा है, वही बोलना था और कुछ नहीं। और क्या, और कुछ नहीं, बस कल मेरे को याद रखना है कि भाई बा ज़ायरा का कपड़ा लेके मेरे को जाना। मैंने लिया है जो वही टी शर्ट, देखो ऐसे का ऐसे ही टंगा है, देखो वैसे का वैसे ही टंगा है, वो मेरे को लेके जाना है। और गाइस हमारा एग्जीबिशन लगने वाला है, जान क्या था भूल जाती बार कच्ची में, हाँ कच्ची मेमन हॉल में जो है थर्ड फेब एंड फोर्थ फेब को। तो हम लोग वहीं रहेंगे 2 दिन, ठीक है। और मतलब वहीं रहेंगे नहीं, वहीं हमारा एग्जीबिशन लगेगा, वहीं हमारा स्टॉल, एग्जीबिशन हमारा नहीं हमारा स्टॉल लगेगा। और एग्जीबिशन है ग्रेस नेटवर्क वाली का, तो आप वहाँ पर आईडी भी आप इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हो ग्रेस नेटवर्क। हम लोग काफ़ी बार हम लोग वहाँ पर एज अ गेस्ट जा चुके हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। और ग्रेस नेटवर्क में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है, जब भी उनका एग्जीबिशन लगा था बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती है और बहुत रीजनेबल चीज़ें भी होती है, कोई हाई रेंज वाली होती है बट क्वालिटीज़ बहुत अच्छी अच्छी होती है। जितने भी स्टॉल्स रहते हैं सबकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहती है। तो प्लीज़ आप लोग ये याद रखना कि हम लोग आने वाले हैं 3rd and 4th February कच्ची मेमन हॉल में, वहाँ पर हमारा स्टॉल लगेगा स्टेज के पास ही। मैं ये चीज़ फिर से मेंशन करती हूँ, स्टेज के पास ही हमारा स्टॉल लगेगा, तो आप लोग ज़रूर विजिट करना वहाँ पर से। जिनको भी ओमानी कपड़ा भी एकदम सामने से एग्जैक्टली देख के लेना है तो वो भी आप लोग देख सकते हो वहाँ पर। और स्काफ हो गए, क्वाड सेट हो गए, हर चीज़ें आप लोगों को वहाँ मिलेगी। टी शर्ट्स हो गए, जो हम लोग टी शर्ट जो 1000 में 5 दे रहे हैं वो मिलेंगे आपको। शर्ट्स जो है हम 1000 में 3 दे रहे हैं वो मिलेंगे आपको। कुर्तीज़ है जो 150 की कुर्तीज़ हमने ऑन सेल रखी हुई है और 200 की जो ऑन सेल रखी हुई है, हर चीज़ें आप लोगों को बहुत रिजनेबल रेट में मिलेगी। तो जिस किसी को भी हमको मिलना है या फिर हमारे जीलानी कलेक्शंस एंड बॉस कलेक्शन का लाभ उठाना है तो आप लोग ज़रूर आ सकते हो कच्ची मेमन हॉल 3rd and 4th February। तो प्लीज़ आना, यहाँ पर मैं चाहती हूँ तो यहाँ पर साइड में ना क्या फोर्थ स्टोरी फोटो लगा देना, देखो इधर इधर हाँ इधर वो आदमी इधर इधर, तो इधर वो फोटो लगा देंगे तो आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप लोग ज़रूर आना हमसे मिलने के लिए। और आप लोग ज़रूरी नहीं कि आप लोग सिर्फ शॉपिंग करनी है, आपसे हम खुद से मिलना है तो भी आप लोग आ सकते हो, मिल सकते हो, बस मुझे यही खुशी होगी। तो बस यही खत्म होता आज का हमारा दिन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्यार देते रहना, प्यार बढ़ाते रहना। इंशाल्लाह मिलेंगे जल्द हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, अल्लाह हाफिज़।